हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शेर बहादुर यादव, यू आर माई टीचर। टुडे वी स्टार्ट, हम आज नया चैप्टर आज से शुरू करते हैं आप लोगों का सेवन्थ में, चैप्टर टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है ना। चैप्टर टू फ्रैक्शन हमको आज शुरू करना है। तो फ्रैक्शन की डिफिनेशन है, सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन लिखा ना, तो फ्रैक्शन क्या होती है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शन। कहने का मतलब है जब कोई नंबर जो है ए अपॉन बी, यानी कि किसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और ए और बी दोनों क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर होते हैं, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? नोन एज फ्रैक्शन। इन ए अपॉन बी वी कॉल ए एज न्यूमरेटर एंड बी एज डिनोमिनेटर। जो ए होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाला, और नीचे वाले को बी को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, जो ए अपॉन बी के रूप में लिखी जाती है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? डेसिमल फ्रैक्शन देखिए, इसकी डिफिनेशन देखिए, दूसरी हेडिंग है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 ETC इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। कहने का मतलब ऐसी फ्रैक्शन हमारी, ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए, ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोट हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो ऐसी ही फ्रैक्शन को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 3/10, 27/100, ठीक है ना, इनको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड आती है व्यूलगर फ्रैक्शन। व्यूलगर फ्रैक्शन में क्या होता है? इसमें ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ ए व्होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000, इसी उसका जो हमने डेसिमल फ्रैक्शन बताया उसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है? अपोजिट है। इसमें क्या है? इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 10, 100, 1000 के अलावा कुछ भी हो, व्होल नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट डॉट, कुछ भी, मगर केवल क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर का 10, 100, 1000 नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं, इसका व्यूलगर फ्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे 2/9, 4/13, 13/20। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है? हमेशा कम होता है। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या हो? कम हो या छोटा हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3/7, 5/11, 23/40, ये हो गया। उसके बाद आपका बाकी हम इसके बारे में कल समझाएंगे, इन प्रॉपर फ्रैक्शन और बाकी जो भी हैं वो हम कल बताएंगे। होमवर्क आप लोग ये करना है, फर्स्ट में राइट द 5-5 डेसिमल फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। 5-5 आप लोगों को फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है, एग्जाम्पल लिखना। ओके स्टूडेंट्स, वी विल बी मीटिंग टुमारो एंड कंप्लीट योर वर्क।